रविवार को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कई मंत्री भी रविवार को ही शपथ लेंगे। इसके बाद संसद सत्र बुलाया जाएगा जिसमें नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन संसद के पहले सत्र से पहले इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है मिनी सांसद, जहां आपके इलाके के सांसद अपनी बात रखेंगे। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हिंदुस्तान की लोकसभा सीटों से चुने गए सांसद बताएंगे कि वो जनता की सेवा करने के लिए क्या करेंगे। सांसद अपना एजेंडा बताएंगे, विपक्ष के सांसद विपक्ष का एजेंडा बताएंगे और एनडीए के सांसद बताएंगे कि उनकी सरकार किस तरीके से काम करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिनी सांसद की और सबसे पहले सुनते हैं बीजेपी के सीनियर नेता और विदिशा से सांसद चुने गए शिवराज सिंह चौहान को। सुनिए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जीत की बधाई। आज 29 की 29 सीटें जीती है। लाडली बहना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रेम का प्रकटीकरण, विश्वास का प्रकटीकरण है। ये जनता के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है। सर, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आपकी भी एक सबसे बड़ी जीत जो है हुई है। मैं जनता को प्रणाम करता हूँ इस आशीर्वाद के लिए। मोदी जी में विश्वास है ये, और सेवा को जनता किस मन से स्वीकार करती और आशीर्वाद देती है इसका भी उदाहरण है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास है। केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है तो उसका असर पड़ता ही है। इस बार 29 सीटें पूरी साफ। कमलनाथ का गढ़ जो है, ये जनता को बारंबार प्रणाम करता हूँ इस प्रेम के लिए। मध्य प्रदेश की जनता को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रणाम किया है और कहा है, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। होती है जी हाँ, इसी बुलंद हौसले की पहचान आज की डेट में हिंदुस्तान में तमाम लोग जानते हैं कि चिराग पासवान है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग, पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। कैसा लगता है जब इतनी मेहनत के बाद जब वो फल मिलता है? स्वाभाविक है, अच्छा लगता है। परिश्रम का फल मीठा होता है, ये स्कूल में बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था। सब्र का फल भी मीठा होता है, ये भी सिखाया जाता था। इन दोनों चीज़ों को अपने जीवन में मैंने धारण करने का प्रयास किया। मेहनत भी जमकर की और सब्र भी उतना ही रखा। कभी हिम्मत हौसला नहीं खोया। कई उतार चढ़ाव से आप जानते ही हैं, पिछले 2-3 साल कई उतार चढ़ाव भरे रहे मेरे लिए, व्यक्तिगत तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, मेरी पार्टी के लिए भी काफ़ी कठिन रहे। ऐसे में जिस तरीके से पार्टी को आज एक नई पहचान मिली है, इसका श्रेय जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता को दूंगा तो वहीं पूरी तरीके से अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता को भी दूंगा, और साथ ही में प्रधानमंत्री जी को खास तौर पर, उनका वो विश्वास मुझ पर। नहीं तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को आप 5 सीटें उठाकर दे दें लड़ने के लिए। तो ऐसे में मतलब इतिहास में हम लोगों ने देखा है गठबंधन राजनीति में कि जो दल होते हैं उनकी सीटें कई बार एक दो कम हो जाती हैं, बट एक सिंगल सांसद को 5 सीटें उठा के दे दी जाए लड़ने के लिए, ये विश्वास जो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पर रखा, खुशी मुझे इस बात की भी है कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतर पाया। उन्होंने मुझे 5 सीटें लड़ने के लिए दी, मैंने उनको 5 सीटें जीत कर दी। तो ऐसे में मेरे मनोबल को ये बढ़ाता है। यकीनन पार्टी एक नई ऊंचाइयों पर है आज की तारीख में। ये पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता के लिए भी गर्व की बात है, और जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ही आज पुनः पार्टी नई ऊंचाइयों तक पहुंची। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जी हैं। सर, पहले तो जीत की बहुत धन्यवाद। मेहनत करनी पड़ी जीत के लिए? किसी भी चुनाव में मेहनत करना पड़ता है, इसमें क्या है। किसी कैसा लग रहा है सरकार को लेकर और जिस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, ताकतवर सरकार बनेगी, फिर देश का विकास होगा, इसमें कहाँ कोई गुंजाइश है किसी और बात का। राहुल जी ने कहा कि जेपीसी की मांग की है उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों पर, और कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसको प्रभावित करने के लिए बयान दिया। हमको लगता है कि उनका एग्जिट हो चुका है राजनीति से, इसलिए कुछ कुछ मांगते रहेंगे, तो अभी इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। तो जेपीसी की मांग मतलब ऐसी चीज़ों, पार्लियामेंट में अभी शपथ ही नहीं हुआ है, अभी तो लोगों ने शपथ ही नहीं लिया, उसके पहले ही मांग है। तो अब हो सकता है कि सरकार प्रधानमंत्री बनने की भी मांग रख दे, कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। राहुल जी का ऐसा ही रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप
आपको लगता है सरकार बनने को लेकर और सरकार के कार्य करने को लेकर कोई कंफ्यूजन, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग अभी कह रहे हैं नहीं हम वो तो विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, हमारी सरकार मजबूती से एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे राजीव प्रताप रूडी जी कह रहे हैं कि सरकार हमारी बहुत मजबूत बनने वाली है और जेपीसी की मांग पर कहा कि राहुल गांधी जी ऐसी मांग करते रहते हैं, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जी हैट्रिक लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे, तीसरी बार भरोसा जताया जनता ने। बहुत बहुत धन्यवाद है दिल्ली का, शब्द नहीं है कि धन्यवाद करूं, बस इतना समझ लीजिए कर चढ़ाया है दिल्ली ने, उतारेंगे। हमें तीसरी बार सांसद बनाया उसके लिए तो मैं धन्यवाद कर ही रहा हूं, लेकिन तीसरी बार सातों सीटें दिल्ली भाजपा को दिया दिल्ली ने, वो एक कर्ज है, उसको उतारेंगे। बस प्रार्थना है कि जो 73,000 करोड़ का एक बजट राज्य सरकार के पास है, जिससे पानी ठीक होना है, नली ठीक होनी है, फ्लड के नाले ठीक होने हैं, बुजुर्गों का पेंशन दिया जाना है, राशन कार्ड बनने हैं, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली होनी है, वो वाली चाबी डबल इंजन नरेंद्र मोदी जी को दे दें ताकि दिल्ली को बचाया जा सके और इसी 5 साल में हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बना के दें। कांग्रेस और इंडी अलायंस पूरा जोर लगा लिया, लेकिन जितना बीजेपी अकेले पाई उतना भी सीट नहीं मिला, तब भी ये बेशरम सब लुपलुपा रहे हैं कि शायद सत्ता मिल जाए। इनको ये देश सत्ता नहीं देने वाला, देश ने नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे मनोज तिवारी जी को। खास तौर पर तंज जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे कसा है कि साथ मिलकर भी सीटें जो है वो नहीं निकाल पाए। कैमरा पर्सन पवन के साथ में आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंद्र चंदोलिया जी मौजूद है। चंदोलिया जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे आपको खूब भरपूर प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जीत पर? देखिए, जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है, दिल्ली के अंदर माने तो वीरेंद्र सचदेवा जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की झाड़ू के तिनके खोल दिए, हाथ को उल्टा कर दिया, सातों सीटों पर बड़े दम भर रहे थे और ऐसे ऐसे लोग उतारे थे जो कहते थे कि जिसके टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कितने टुकड़े होंगे, टुकड़े उनके हो गए, काउंटिंग सेंटर तक भी नहीं जा पाए। बीजेपी अगर बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे तो भी एक भी सीट नहीं निकाल पाए दिल्ली में। देखिए, वो मैं तो कहता हूँ कि ममता जी भी दिल्ली में आ जाती और वो लालू चारा चोर का बेटा भी दिल्ली में आ जाता, एक एक वो भी मिलकर लड़ लेते तब भी साथ बड़ा जीरो रहता। सर, 100 दिन के काम पर हमेशा फोकस रहता है, तो क्या कुछ प्रायोरिटी होंगी? हमने संकल्प पत्र जारी किया है, कुछ चीजें मुझे गिफ्ट में मिली है। जून के अंदर ही सिंगू गाँव में डीडीए ने कम्युनिटी सेंटर बनाया है, उस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करूंगा और उसके लिए कितने लोग लाभान्वित होंगे, मैं भी गया था, मैं देखकर आया था, जब लोगों ने मुझे बताया तो मेरा काम तो पहला पत्थर नरेंद्र मोदी के सिपाही का नॉर्थ वेस्ट में लगना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए कमल जी शरावत जी मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, पहली बार सांसद बनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की जनता जनार्दन का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है उसके ऊपर अपना विश्वास जताया है, अगले संकल्प पत्र पर आपने यकीन रखा है, तो मैं आपसे ये वादा करना चाहती हूँ कि आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और विकास के कामों को और गति से आगे बढ़ाएंगे। मैम, हमेशा ही 100 दिन के कामों पर फोकस रहता है, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी अपने क्षेत्र को लेकर? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिकल बहुत बड़ा भी है और डिफरेंट भी है, तो इसमें 3 सेक्टर्स को बांटकर काम करेंगे। अनऑथराइज कॉलोनी और गांव के अंदर जो भी हमारी खाली जमीन है ग्राम सभा के डीडीए की, उसके ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, उसके ऊपर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए पार्क्स बने, सबके लिए पार्क बने और कम्युनिटी हॉल बने, ये कोशिश रहेगी। 2-3 रोड आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके ऊपर जाम बहुत लगता है, उनको लेके एक SOP बनाएंगे कि उनको ट्रैफिक सिग्नल किस तरह से उनको बिल्कुल स्मूथ किया जाए, और मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी है एरिया में उसके ऊपर काम करेंगे, और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का जो भी वर्ग के लिए योजना उसका लाभ पहुँचे इसके लिए एक सेंटर खोलने के लिए कोशिश होगी। मैम, लक्ष्य था 400 पार का, लेकिन वो नहीं हो पाया और लगातार ऑपोजिशन है जो है वो ये कह रहा है कि हमको मेजोरिटी आप भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं दी गई क्योंकि कहीं ना कहीं एक तानाशाही देखने को मिल रही है। देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़े घटक के रूप में है, सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का
जब भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत में थी तो भी एनडीए के साथ साथ था, आज भी है। तो ये वो दल है जो देश हित में काम करते हैं, तो अभी भी सरकार बनाकर काम होगा। नई दिल्ली से सांसद बासु स्वराज जी हमारे साथ मौजूद है। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद। मैम पहली बार सांसद बनी है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ जनता से कहना चाहूँगी? बस मैं उनकी कृतज्ञता जरूर ज्ञापित करना चाहूँगी, उनको जरूर कहना चाहूँगी कि आपने भाजपा का चयन कराया नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपको। मैं जानती हूँ कि ये वोट आपका है, क्योंकि आपका अगाध विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं में, उनकी लोकप्रियता में, और मैं संकल्पित हूँ, प्रतिबद्ध हूँ नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में। अगर नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो क्या कुछ आइडिया होगा, क्या कुछ आपकी प्रायोरिटी उसको लेकर रहने वाली है? जी 100 दिन का प्लान बिल्कुल तैयार है, वो विस्तार से बाद में आपके समक्ष जरूर रखूंगी, लेकिन 2 वचन हैं जो कैंपेन में दिए थे जिनकी पूर्ति पहले 100 दिन में ही करना चाहूंगी। एक है सहयोग पोर्टल, जहां पर सरकारी कर्मचारी चाहे तो अनाम तरीके से भी अपनी सारी की सारी शिकायतें या कोई भी उनकी समस्या वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, उनके निदान और उनकी पुरजोर आवाज़ बनने के लिए मैं संकल्पित हूँ। दूसरा है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और लखपति दीदी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर एक स्टार्टअप हब दिल्ली में शुरू करना चाहूँगी, जहाँ पर मात्र एक आइडिया लेकर आ जाइए और उसको फलित करने का सारा ज्ञान आपको एक ही छत में मिलेगा। मेरे साथ अजी तरूर है बातचीत करने के लिए। एक अच्छी मार्जिन की जीत आपने हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ, देखिए जो जीता वही उसी के अंदर तो मैं आया हूँ, जीत के आया हूँ। अभी चुनाव खत्म हो गया, अभी पार्लियामेंट में काम शुरू करना है बस। ये आज आप लोगों ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी है, क्या कुछ खास रहा, क्या राहुल गांधी के नाम पे? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, आप स्पोक्समैन से पूछ लीजिए, वो लोग बताएंगे, वक्ता से। ठीक है, साफ तौर पर सचिन तरूर का कहना है कि अपनी जीत के बाद वो बेहद खुश है, और हालांकि मीटिंग खत्म हो चुकी है, तमाम नेता जो है वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी जीत का खुशी मनाते हुए सचिन तरूर जो थे वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन अवरेश के साथ मैं हकीका, न्यूज एक्स दिल्ली। बिलासपुर से सांसद तोखन साहू है, तमाम तरह की चर्चाएं थी आपको नाम को लेकर, लेकिन फिर भी आपने किला फतेह कर लिया। जी इसके लिए तो मैं संसदीय क्षेत्र की जनता को और आपको भी और आपके माध्यम से जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। चर्चाएं ऐसी है कि जिन जगह से मंत्री थे उन जगह से ज्यादा लाभ नहीं मिला आपको? नहीं नहीं, पूरा पूरी लाभ मिले। एक बात बताइए, उपलब्धियां क्या क्या रहेंगी? सभी क्षेत्रों में काम हो, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी के रूप में बिलासपुर की पहचान हो, इसके लिए काम किया जाए। लगातार भाजपा से ही सांसद है बिलासपुर में, आपके ऊपर कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, अब क्या उपलब्धि रहेगी? हम सभी क्षेत्रों में काम करेंगे भैया, प्रणाम, सभी क्षेत्रों में काम करेंगे। कांग्रेस को लेकर कोई सुझाव? जनादेश को कांग्रेस स्वीकार करे, जनता का सम्मान करे भैया, भैया भैया दुर्गेश भाई, लेकिन कर नहीं पा रही है। 99 लाख भी खुशी देख लीजिए आप। देखिए ये तो कांग्रेस पार्टी में दिक्कत है, वो जनादेश को कभी स्वीकार करते नहीं। अम्बाल का 3.0 को लेके आप वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उंगली खड़ा करते हैं, हार स्वीकार नहीं करते। संसद भवन में एनडीए की बैठक हुई है, संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए। हमारे साथ जीतनराम मांझी हैं, खुद गया से सांसद चुन करके आए हैं। सर आज बैठक में आप लोग थे, पीएम को संसदीय दल का नेता चुना गया है, क्या कुछ रहा वहाँ? कुछ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने उनको समर्थन किया, हम लोगों ने उनके कार्यों को गिनाया, विश्वास व्यक्त किया कि 10 वर्ष में जिस प्रकार से आपने भारत की सेवा की है, आगे 5 वर्ष आप ही के सेवा से ही भारत आगे बढ़ सकता है, चतुर्थिक विकास कर सकता है, और ये गुड लक है। भारत के मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त किया गया और कहा गया कि साहब हम लोग आपकी जो आकांक्षाएँ अगर शेष रह गई होगी सबकी पूर्ति हम करेंगे, और एनडीए के जितने भी पार्टनर हैं सबको यही कहा गया कि हम लोग सब एक हैं, एक मिलकर के एक स्वर से हम लोग सरकार चलावे। पीएम ने भी कहा और इंडिया ब्लॉक पर भी उन्होंने निशाना साधा कि ईवीएम जिंदा है या मर गया है। देखिए वो सब बात हुई, उसको हम नहीं कर सकते हैं, संसद में पीएम ने आज बोला है। और संसद में नहीं बोले हैं, हम लोगों के पार्टी में बात हुई है कुछ, तो उसकी चर्चा वहाँ के स्पोक्समैन करेंगे, हम नहीं करेंगे। सर नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएँ थी
आज पीएम ने भी कह दिया और नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम आपके साथ हैं। ये पहले भी बात थी और आज भी बात हुई, जितनी भी बातें आई है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि ब्रेकिंग न्यूज पर नहीं जाइए आप लोग। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि हमारा जीवन का मिशन एक ही है, हमारा मिशन भारत माता है। वो ठीक है, ये तो सबकी बात है, सब लोग हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग का मिशन एक है कि भारत का चतुर्थी विकास हो, भारत को माता के रूप में हम लोग सेवा करके इसको संसार का सबसे अव्वल राष्ट्र बनावें, ये हम लोगों की चिंता है। इस गोल को प्राप्त करने के लिए हम लोग को रात दिन एक करना होगा, ये बातें हुई। आप लोग को भी कैबिनेट मंत्रालय मिलने की चर्चाएं हैं? उससे कोई मतलब नहीं, हमको एक मंत्रालय तो जरूर नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं है और न हमारी कोई अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जैसी सेवा देंगे एमपी के रूप में, मंत्री के रूप में कैसे लेंगे वो उन पर निर्भर करता है, हमारे ऊपर से कोई शर्त नहीं है। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा की मांग, वो भी अलग बात है, वो अलग बात है। तो इस तरह से जीतन राम मांझी इंडिया न्यूज और आईटीवी नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं है, प्रधानमंत्री जो भी देंगे उसको हम मानेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी, जो कटिहार से चुनाव जीत कर आए हैं वापस संसद में। सर, सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी वहाँ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत की आवश्यकता होती है मगर सर्वमत से भी सबको लेकर चलना जरूरी होता है, कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छी बात है, उनको अकल आ गई, समझ आ गई। 10 साल तो उनको इस बात का ध्यान नहीं रहा, कभी उन्होंने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई, कभी अपने जो गठबंधन के लोग हैं उनको विश्वास में लेने की कोशिश नहीं की और विपक्ष को तो बिल्कुल ही अलग थलग रखा। उन्होंने समझा कि विपक्ष विहीन शासन चलाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अब स्थिति जनता ने फैसला सुना दिया है और जनता ने ये बता दिया कि विपक्ष भी रहेगा और सत्ता दल भी रहेगा और अब अकेले एक छत्र राज जो मोदी जी का था वो समाप्त हो गया। सर, प्रधानमंत्री मोदी जब आज एनडीए के संसदीय दल के बैठक को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि इस बार ऑपोजिशन ने ईवीएम को कोई किसी तरह की उस पर आरोप नहीं लगाया है, नहीं तो वो तो सोच रहे थे कि चुनाव वाले जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन ये लोग ईवीएम पे काफ़ी सवाल उठाएंगे, तो कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, लुम्बाराम चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये जालौर सिरोही से सांसद बने हैं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि आपने मुख्यमंत्री के बेटे को इतने प्रचंड मार्जिन से हरा दिया, क्या कारण रहा आपकी जीत का? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जहां जीत का प्रसिद्ध है, मैं 40 साल से जनता के बीच में था और आदरणीय 10 साल से नरेंद्र मोदी ने जो काम किए उसी कामों को लेकर, और मैंने वार्ड पंच से शुरुआत हुई थी और वार्ड पंच बना, फिर मैं पंचायत समिति इलेक्शन लड़े प्रधान बना और अभी मैं जिला परिषद का मेंबर हूं। तो मुझे ध्यान था और 40 साल से मैंने जनता की सेवा की थी, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास था कि यहां पे जीत का कारण है वो यही था कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं पर और जालौर सिरोही और सासौर की जनता पर और आदरणीय नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर मुझे पूर्ण विश्वास था कि भले कोई भी आगे आ जाए, भले वैभव जी आ जाए, गहलोत जी आ जाए, अशोक जी आ जाए, भले कोई भी कैंडिडेट आ जाए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लाखों वोटों से जीतेगी और वो लाखों वोटों दो लाख से ऊपर से वो जीत हुई। जादवपुर लोकसभा से एमपी हुआ सैनी घोष हम लोगों के साथ है। सैनी जी, कैसे लग रहा है आपको ये जादवपुर की जीत? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही आनंद की बात है। माँ वालों अच्छो, और ममता बनर्जी जैसे कि आपको पता है महिलाओं को एम्पावर करती है, नारियों के सशक्तिकरण के लिए लड़ती है और उन्हीं के आशीर्वाद से और बंगाल की माँ बेटियों के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। जादवपुर के लिए क्या क्या प्लानिंग है? जादवपुर के लिए बहुत प्लानिंग है, अलग अलग विधानसभा की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पर फिलहाल पार्लियामेंट में जाके अच्छे से लड़ाई करनी है और जैसे आपको पता है कि हम बंगाल के लोग वंचित हैं, नरेंद्र मोदी जी वो पैसा नहीं देते, ले जाते हैं, सिर्फ देते नहीं है, तो उसके विरुद्ध लड़ना है। जय बांग्ला, जय बांग्ला। आपको बार बार से दिखाया जा रहा था कि आप जब प्रचार में जा रहे थे जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिला, अभी क्या प्लानिंग है उन लोगों के लिए? रिस्पॉन्स जो मिला वो तो सिर्फ प्रचार में नहीं मिला, वो वोट में भी मिला है और लोगों का प्यार है और विश्वास है कि आगे जाके उनकी जो प्रार्थी है, उनकी जो कैंडिडेट है वो लड़ेगी
तो वो लड़ेगी। एकदम ही सायनी घोष के साथ हम लोगों का बातचीत हो रहा था। सायनी घोष का भी कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके से लोग उनको प्यार दिया है, जिस तरीके से वोट उनको मिला है, उसी तरीके से जादवपुर के लिए काम वो कर सकते हैं। रायगढ़ लोकसभा से राधेश्याम राठिया हमारे साथ हैं। इस सीट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ चुके और ये सीट हॉट सीट इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़के 2014 में मंत्री बन चुके हैं, ओपी चौधरी का गढ़ माना जाता है। अब राधेश्याम जी को मौका मिला, वो भी जीत गए हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। रायगढ़ के लिए सबसे पहली उपलब्धि क्या रहेगी? जी, रायगढ़ के विकास के लिए पूरे हमारे रायगढ़ वासियों का जो इच्छा है उसे पूरी करेंगे। बहुत सारी इच्छाएं हमारे लोकसभा क्षेत्र के, देखिए जैसे जैसे आएगा उसको काम करेंगे। लोग हमारे लोकसभा क्षेत्र के हित में अच्छा काम होंगे। एक प्रेशर था क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से जीते, 2014 में मंत्री बने थे, आज प्रदेश के मुखिया ओपी चौधरी वहां से आते हैं, दिल्ली दरबार के बहुत करीबी है, अब आपको मौका मिला है, तो ये सब समीकरण के बाद चुनाव लड़ना लग रहा था कि कब प्रेशर है? जी, हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा था और हमारे कार्यकर्ता हमेशा मैदान में डट के काम करते थे, इसलिए मुझे भरोसा था कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे। रायगढ़ को लेकर तमाम चीज़ों की चर्चा होती है, उद्योग है, व्यापार है, सब कुछ है, डीएमएफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इन सब के बावजूद कई जो आदिवासी हैं उन सब लोगों को तमाम तरह की समस्याएं हैं कि उस तरीके से काम नहीं हो पाए जिस तरीके से होना है, वो प्राथमिकता रहेगी? जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं और उन्हें मालूम है, हमारे वित्त मंत्री जी को भी मालूम है और हमारे लोकसभा क्षेत्र में अच्छे विकास होंगे। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी 99 पे रुक गए हैं, कांग्रेस के पास यहाँ सिर्फ एक सीट आई है, उसके बावजूद भी उनकी खुशी रुक नहीं रही है, आप लोग 250 जीतने के बाद भी शांत हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इस विषय में क्या कहें, राहुल गांधी जी हमेशा ऐसे पप्पू हैं तो उछल कूद करते रहते हैं। राहुल गांधी पप्पू हैं, ऐसे ही उछल कूद करते हैं, लेकिन रायगढ़ का विकास मेन विकास है, ये कहना है राधेश्याम राठिया का। इस समय सहयोगी गौरव चंदेल, महावीर साहू और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़ रायपुर।